पाटन की कृषि उपज मंडी में एक बार फिर व्यापारियों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। जहां आज सबसे पहले उन्होंने अपनी दुकानों में तालाबंदी की, उसके बाद वे उपज की नीलामी में भी शामिल नहीं हुए। यह सभी व्यापारी मंडी परिसर में महिलाओं के अनधिकृत प्रवेश से परेशान हैं, जिसके चलते आज व्यापारियों द्वारा पैदल मार्च निकालकर एसडीएम के नाम तहसीलदार दिलीप हनबत को ज्ञापन सौंपा गया। व्यापारियों का कहना है कि वे सभी व्यापारी मंडी परिसर में महिलाओं के अनाधिकृत प्रवेश से परेशान है। महिलाओं पर आरोप लगाया गया है कि वे मंडी परिसर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करती हैं और उपज की चोरी करती हैं। वहीं जब व्यापारी इसका विरोध करते हैं तो महिलाएं उन्हें एसटीएससी के झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देती हैं। बताया गया है कि महिलाओं द्वारा व्यापारियों को धमकी देने का वीडियो भी सामने आया है, जहाँ साफ तौर पर महिलाएं धमकी देते हुए दिखाई दे रही है। ज्ञापन देने आए इन सभी व्यापारियों की माने तो वे मंडी परिसर में आए दिन घटित हो रही घटनाओं से काफी परेशान है। इसके साथ साथ महिलाओं द्वारा झूठे मामलों में फंसाने की दी जा रही धमकी ने भी उनकी परेशानी को और बढ़ा दिया है, जिसके चलते आज उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। तुम बिल्कुल हिसाब से बात करो, तुम हिसाब से बात करो। चल जैसे हमें आना हम लोगों ने आज तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है। अनधिकृत महिलाओं द्वारा मंडी में प्रांगण में चोरी हो रही है, व्यापारियों को गालियां दी जा रही हैं, किसानों को गालियां दी जा रही हैं और उनके मालों को चोरी की जा रही है, जिनकी शिकायत अपन पिछले बार कई बार कर चुके हैं, मंडी प्रशासन से भी कर चुके हैं, जिसकी कोई भी निराकरण नहीं निकल रहा है। उन महिलाओं द्वारा जो एसटी की हैं, हरिजन वाली हैं, उनके द्वारा ये बोला जा रहा है कि आप सब व्यापारियों को, किसानों को किसी भी प्रकरण में, झूठे प्रकरण में फंसा दिया जाएगा, आग लगा दी जाएगी या हम खुद आग लगा लेंगे और आप लोगों को फंसा देंगे। ये सब समस्याओं को लेकर हम लोगों ने तहसीलदार साहब को आज ज्ञापन दिया है। पाटन से अंकित जैन की रिपोर्ट, टीम लोक मंगल।